इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर बेलगाम शहर में कन्नड़ मराठी को लेकर तशद्दुद, तनाव का माहौल। बेलगाम शहर को किसी तरह तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम बार बार लगाया जा रहा है। वैसे भी पिछले कुछ सालों से बेलगाम में अमन सुकून देखा जा रहा है, पर पिछले कुछ महीनों से बेलगाम और अतराफ में कन्नड़ मराठी तशद्दुद बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर शिवसेना और कन्नड़ रक्षण वेदिके के दरमियान तशद्दुद देखा गया, जिससे आखिर मराठी तंजीमों के दफ्तरों को पुलिस बंदोबस्त बहाल किया गया। अब यह मामला यकीनन पुलिस महकमा का है कि फौरी तौर पर जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, कन्नड़ हो या मराठी। पर शहर का अमन बहुत जरूरी है। वैसे भी कारोबार अभी अभी कहीं उभरने की राह पर है। अभी फैक्ट्रियों में, चहल पहल बाजारों में बाहरी लोगों की आमद देखी जा रही, पर किसी सियासी पार्टी के इशारे पर या सियासी मुफाद हासिल करने के लिए हर रोज कुछ न कुछ शरपसंदों की जानिब से शरारत अंजाम दी जा रही है। बेलगाम को लेकर कन्नड़ मराठी तनाजा काफी पुराना है, पर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर किसी तरह का तनाव नहीं देखा जा रहा था। आखिर इस शरारत के पीछे कौन है और कौन सी सियासी पार्टी इसे अंजाम दे रही है, यह बहुत जरूरी है। बेलगाम मामले को लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना भी काफी सरगर्म होती दिखाई दे रही है। पहले मनगुत्ती शिवाजी पुतले को लेकर तनाव रहा, जिसमें महाराष्ट्र से लोग कर्नाटक में दाखिल होने की कोशिश करते रहे और बारहा कोशिश की भी। शिवाजी पुतले को लेकर भी काफी हंगामा रहा। इसके बाद पिरनवाड़ी में शिवाजी चबूतरे के सामने ही संगोली रायन्ना का पुतला बिठाया गया। इस पर भी कुछ दिनों तक शहर में तनाव का माहौल रहा। दरमियान में छुटपुट वारदातें होती रही। कभी कर्नाटक के बसों को लेकर महाराष्ट्र में भगवा परचम लगाया गया, तो कभी महाराष्ट्र के बसों पर कर्नाटक का परचम या जय कर्नाटक जैसे अल्फाज लिखे गए। महाराष्ट्र के वजीर अला उद्धव ठाकरे ने बेलगाम के साथ मराठी अक्षरित गाँव को महाराष्ट्र में दाखिल करने का इशारा दिया, तो कर्नाटक के वजीर ने बंबई को ही कर्नाटक में लेने की बात कही। कुछ लोगों का कहना यह है कि महाराष्ट्र की शिवसेना के पास किसी तरह का सियासी एजेंडा नहीं, लिहाजा बेलगाम सरहदी मसले को बढ़ावा देकर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रही वही कन्नड़ तंजीमों को इसी बहाने से अपने वजूद का एहसास दिलाने का मौका भी मिल रहा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कन्नड़ तंजीमों को विपक्ष और सत्ताधारियों की हिमायत होने की बात कही जा रही है। इसी तशद्दुद की कड़ी में बेलगाम कारपोरेशन के सामने कन्नड़ तंजीमों की जानिब से लाल पीला परचम लहराया गया। इसे लेकर भी मराठियों की एमईएस और शिवसेना ने पुरजोर एहतजाज किया। पुलिस इंतजामिया और डीसी बेलगाम ने वक्त मांगा और बात को यूं ही आगे बढ़ाया गया। कई बार मराठी तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। 8 मार्च को महामोर्चा का ऐलान भी इसी मद्देनजर रहा और कसीर तादाद में कन्नड़ परचम के खिलाफ एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया। पुलिस ने इन्हें सरदार ग्राउंड के करीब ही रोका और इन्हें वापिस भेज दिया, पर कुछ खवातीनों ने कारपोरेशन पर भगवा परचम लहराने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। उसी दिन 8 मार्च को महाराष्ट्र से सैकड़ों शिवसेना कारकुन मोटरसाइकिल बैठकर बेलगाम में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें कर्नाटक पुलिस ने टोल नाके पर ही रोक दिया। लिहाजा यह अख्तलाफ बढ़ते ही जा रहा। इसी की अगली कड़ी के तौर पर नावगे गांव पर बसों पर मराठी लिख के विहारकों को काला लगाया गया। कभी कन्नड़ बोर्ड को काला तो कभी मराठी बोर्ड को काला, कोई मुकाबला देखने को मिल रहा है। कन्नड़ तंजीमों का कहना है कि महाराष्ट्र कोल्हापुर में कन्नड़ बोर्ड को काली पोती जा रही है, इसलिए हम जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और बेलगाम में जहां कहीं भी मराठी तख्ती नजर आएगी उसे या तो तोड़ देंगे या काली पोती जाएगी। आज मामला और आगे बढ़ते हुए रामलिंग खिंड गली में एमईएस दफ्तर और शिवसेना दफ्तर पर कन्नड़ तंजीमों की जानिब से हमला किया गया। मराठी तख्तियों को निकाल फेंका गया और इसे काली पोती गई। इस दरमियान शिवसेना जिला सदर प्रकाश शिरोडकर की कार पर भी कन्नड़ कारकुनान की जानिब से हमला किया गया और मराठी तख्तियों को तोड़ा गया। एमईएस और शिवसेना दफ्तरों पर हमले की मजम्मत करते हुए बोगारवेस में मराठियों की जानिब से एहतजाज किया गया। मराठियों ने पुलिस की हिमायत हासिल होने की बात, यानी कि कन्नड़ तंजीमों को पुलिस की हिमायत हासिल होने की बात इन्होंने कही, तो काकती के करीब कोल्हापुर लिखे बोर्ड पर भी काली पोती गई। कन्नड़ रक्षण वेदिके के 10 से 15 कारकुनान ने इस काम को अंजाम दिया, जिन पर कार्रवाई का मुतालबा शिवसेना एमईएस की जानिब से किया गया। अगर गिरफ्तारी नहीं की गई तो
जो भी लाल पीला गमछा पहने कन्नड़ तंजीम के अफराद नजर आएंगे उन्हें पीटा जाए, ऐसा एमएस के शुभम शेड़के ने इशारा भी दिया। शहर और अतराप में बढ़ती तशद्दुद की वारदातें कहीं शहर के अमन को खतरे में ना डाल दे, ऐसी फिक्र का इजहार आवाम की जानिब से किया जा रहा है। कन्नड़ हो या मराठी, जो भी शहर के अमन अमान को नुकसान पहुंचाना चाहता है इन पर फौरी कार्रवाई कर शहर में एक बार फिर सुकून का माहौल बहाल किया जाए, ऐसी आवाम की राय देखी जा रही है। अब देखना है कि इंतजामिया शरपसंदों पर किस हद तक कार्रवाई को अंजाम देती है। अब दीगर मकामी खबरों में अहम यह है कि बेलगाम लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार का नाम यत्नाल पाटिल का आने से सभी चौंक गए। अभी ऐलान नहीं हुआ है पर यह तय माना जा रहा है कि बसवनगौड़ा पाटिल ही उम्मीदवार हो सकते हैं। बसवनगौड़ा पाटिल एक तो मुस्लिम मुखालिफ अल्फाजों को अक्सर इस्तेमाल करते रहते, तश्वीशनाक बयान तो देते ही रहते, पर खुद भाजपा हुकूमत को भी ये नहीं बख्शते, लिहाजा यत्नाल पाटिल येडियुरप्पा के लिए सरदर ही कहा जा सकता है। लिहाजा नया प्लान येडियुरप्पा की जानिब से यही किया जा रहा है कि जो भी हुकूमत के लिए मुसीबत बनेगा उसे मरकज में बिठा दिया जाएगा। रमेश जारकिहोली ने अपने ऊपर इल्जाम, अगर साबित होते हैं तो सियासत ही छोड़ने की बात कही है, अब ये और बात है कि इस मामले को हल होते कितना वक्त लग सकता है। एक और सबसे बड़ी सबसे अफसोसनाक खबर कह सकते हैं और शर्मनाक हरकत वसीम रिजवी मरदूद की जानिब से की गई है, जिसने इंतहाई शर्मनाक हरकत को अंजाम देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हुए कहा है कि कुरान की 26 आयतों को विवादित बताया नौज बिल्ला। इसके इस हरकत पर देश भर में मुस्लिम समाज की जानिब से गुस्से का इजहार किया जा रहा है और कहा है कि 26 आयतें तो दूर की बात, जेरो जबर पर भी किसी तरह का जिक्र करना गुनाह है और इसके लिए किसी भी हद तक भारतीय मुसलमान जा सकते हैं। वाज़ह रहे कि वसीम रिजवी शिया व बोर्ड का सदर है और सभी की मांग है कि पहले शिया मुसलमान इसको सबक सिखाए और बोर्ड से नीचे उतार दे। हुकूमत की चापलूसी में किस इंतहा तक लोग गिरते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि यहूदियों के एजेंट माशरे में मुसलमानों का लिबास पहनकर घूमते हैं, इन्हें पहचानने की जरूरत है। जल्द इत्तेहाद न्यूज पर यहूदियों की साजिश पर प्रोग्राम बनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह नोट गला का पूरी पूरी किरोस्कर रोड बाजू कर दे प्लेस मॉल बाजू पड़ून जाता है।